वो फाइल ही ट्रांसफर हो गई है कहीं? अच्छा, पोस्ट ट्रांसफर हो गया ना। थैंक यू। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने संतर्पण और अपतर्पण को समझ लिया, अपतर्पण के और संतर्पण के तीन तीन प्रकारों को देखा, विशमन विधि को हम देख रहे हैं और शोधन विधि को भी देख रहे हैं। यानी शमन में क्या करना है, जो घट गया है उसको बढ़ा देना है, जो बड़े हुए हैं उनको छेड़ना ही नहीं, राइट। लेकिन शोधन में क्या करना, जो बड़े हुए हैं उनको बाहर निकाल देना, राइट। ऐसी औषधियों का प्रयोग करके शरीर से उनको बाहर निकाल देना है, यानी शोधन करना, पंचकर्मा कर देना है। मतलब पंचकर्मा के अभी हम इसके बाद में, अभी ये चैप्टर हो जाए उसके बाद पंचकर्मा शुरू करते हैं, तो ये सारी चीजों को हम समझेंगे बारीकी से और फिर हम भी ये काम कर पाएंगे। और इधर देखें तो क्या करना, पंचकर्मा करना है शोधन में, तो क्या करना है, पांच प्रकार हैं इसके, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण और वस्ति। ये पांच प्रकार है, तो पांचों के अलग अलग कई रूप हैं। वमन के लिए कौन योग्य व्यक्ति है, कौन अयोग्य व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि हर किसी को पकड़ो वमन करा दो, ये संभव नहीं, ये ठीक नहीं है, है ना। ऐसे ही विरेचन, विरेचन का मतलब अरे किसी को कोई भी पेट साफ करने की औषधि दे दो या बॉडी से डिटॉक्स करने का कोई भी औषधि दे दो, ये जरूरी नहीं कि उसको डिटॉक्स की आवश्यकता हो, है ना। ये उसके लिए कौन कौन योग्य है, कौन कौन अयोग्य है, वो सारा हम पंचकर्मा में सीखेंगे जानेंगे। नस्य, नाक के अंदर जो नासिका द्रव्य डाली जाती है वो नस्य। रक्त मोक्षण, कुछ जो बॉडी से ब्लड को बाहर निकालने की प्रक्रिया की जाती है, वो ब्लीचिंग भी होती है और भी कई पद्धतियां हो सकती हैं, तो ये भी होती है। और वस्ती, वस्ती का मतलब एनिमा नहीं है, एनिमा के आसपास, राइट, इस गंदगी को साफ करना है। ये पांच प्रकार से साफ करते हैं हम लोग, क्लियर हो गया। तो पांच प्रकार के भेद हैं, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण और वस्ती। और यहाँ पर उसके लक्षण क्या क्या है, यहाँ पर दिया हुआ इन्होंने, दीपन, पाचन, भूख, प्यास, वायु, धूप और व्यायाम, ये लक्षण बताए गए। आगे बढ़ते हैं, अब हम चर्चा करते हैं ब्रहणम, या ब्रैकेट में मैंने कहा था ऊपर संतर्पण या ब्रहणम एक ही है, तो यहाँ पर भी एक जैसा शो करने का प्रयास किया गया है, संतर्पण या ब्रहणम और लंघन या अपतर्पण, ठीक। वायु अथवा तिक्त युक्त, वायु अथवा पित्त युक्त वायु का शमन करता है, क्या करता है ये ब्रहणम, क्या करता है ब्रहणम, पित्त युक्त वायु का शमन करता है। खुद की पेट के अंदर गैस बनी हुई है तो उसको तो साफ करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ शमन के लिए, सॉरी शमन की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी व्रणम की चर्चा कर रहे हैं हम। तो वायु अथवा पित्त युक्त वायु का शमन करता है, और ये क्या कर रहा, वायु का प्रकोप बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा, लंघन। इसलिए कहा जाता है किसी को दर्द वगैरह है तो लंघन नहीं करना, यानी व्रत बिल्कुल नहीं करना, ये उपवास करना, ये सब क्या कर रहा है, ये लंघन कहलाता है, ये ही अपतर्पण कहलाता है। और ये सब क्या कर रहे हैं, शरीर में वात को बढ़ाते हैं। तो जिनकी ऑलरेडी वात बढ़ी है तो उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप कहोगे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये ही बात यहाँ पर लागू होती है। आगे चर्चा करते हैं, सदैव शरीर में शमन कर्म करते हैं, तो सदैव शरीर में ये क्या करते हैं, इनके लक्षण देख रहे हैं कौन से, जो
हमारे शरीर के अंदर सदैव शरीर में शमन कर्म करते हैं। कौन कौन से ऐसे ऐसे तत्व जिनके अंदर, मतलब ऐसे ऐसे द्रव्य हो सकते हैं जिनके अंदर कटु तिक्त कषाय, मैंने कहा ना ऊपर, मीठा और कटु तिक्त कषाय, ये सारे के सारे रस जो हैं, कटु तिक्त कषाय जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये शोधन करते हैं शरीर में, गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। ठीक, तो वो नहीं करना है यदि शमन कर रहे हैं तो, और शोधन कर रहे हैं तो फिर करना है। तो सदैव शरीर में शमन के कार्य करते हैं, और यहाँ पर लिखा है सदैव शरीर में शमन का कार्य शोधन का कार्य करता है। शमन का तो इधर हो गया, और शोधन का कौन करता है? शोधन में अभी हमने संतर्पण देखा था, संतर्पण में तीन देखे थे, वो तीनों जो है संतर्पण का ही कार्य करते हैं पंचकर्मा में। अभी हम चलेंगे जब इसको सीखेंगे। अब योग्य ऋतु की चर्चा कर लें, तो योग्य ऋतु कौन कौन सी है, कौन कौन से कर्म करेंगे, पंचकर्मा करेंगे, पंचकर्मा बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब का जो कार्य है वो करते आए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके योग्य कौन कौन होगा, योग्य ऋतु कौन सी होगी, कौन सी ऋतु में करना चाहिए? क्या सर्दी के दिनों में हम शोधन कर सकते हैं? बिल्कुल, आप कहोगे जी इसमें तो शोधन करने का दिन नहीं, नहीं इसमें तो खाने पीने का, संतर्पण का योग है ना। अवतर्पण कब होता है? अवतर्पण प्रकृति के द्वारा मार्च अप्रैल महीने में हो जाता है, और सितंबर और अक्टूबर में होता है, राइट। ये जो महीना है अभी अवतर्पण का महीना, यानी शोधन का, शरीर में शोधन की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। ये बात तो तय रही कि आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो एक पर्टिकुलर महीनों में ये सारे क्रम होते आए। नंबर पांचवा, व्रहित के लक्षण, व्रहित के लक्षण जिनका ग्रहण व्रणन किया गया है, जिनको संतर्पण किया गया है, उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो उसके भी तो लक्षण होंगे ना, तो उसके लक्षणों में देखा जाए तो बल पुष्टि प्राप्त होती है, अच्छा मजबूत आदमी रहता है, देखने में अच्छा दिखता है, स्मार्ट दिखता है ना, ये सब तो व्रहिण के लक्षण। अब इसके लक्षण देखें, लंघित के लंघन करें तो कौन से लक्षण आएंगे? तो मलेंद्रिय, मल प्रकृति, लंघित के लक्षण क्या होंगे? विमलेंद्रिय, मल प्रवृत्ति, लघुता, रुचि, भूख, प्यास, एक साथ लगना। अब मतलब कुल मिला के ये सारे क्रम एक साथ लगते हैं ऐसे व्यक्ति को, ताकि वो थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, ये लोग, इनकी आदत में होता है तो पानी कम पीते हैं, इसलिए इनको हम ज्यादा बोल नहीं सकते। और व्रणन द्रव्य में क्या देखेंगे? व्रणन द्रव्य में सर्वोत्तम मांस, मतलब कहीं मांस वास का सेवन होता है तो वो क्या हो रहा है? व्रणन हो रहा है, राइट। तो जहां मांस का सेवन नहीं है वो लंघन का द्रव्य, लंघन हो जाएगा। तो सर्वोत्तम मांस, दूध, घी, चीनी, मधुर, स्निग्ध, वस्ती, नींद, कोई नींद भी ले रहा है तो भी फायदे की बात है, शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो उसको नींद लेना ही चाहिए, और दिन में ले तो भी अच्छा। लेकिन जिन लोगों के शरीर में कोई पैरामीटर बढ़ गए हैं, उनको दिन में कभी भूल कर भी
सोना नहीं चाहिए। साथ में एक और चीज है कि कौन कौन से तत्व होंगे उसमें, तो सर्वोत्तम मांस हो गया, दूध हो गया, घी, चीनी, मधुर यानी मीठा, स्निग्ध वस्तु, स्निग्ध नहीं वस्तु, सीधा नहीं देना, अनुवासन वस्तु देना। अब ये क्या होता है इसको भी हम जानेंगे एक एक करके, ठीक है। अतियोग से होने वाले रोग, यानी लंघन ज्यादा कर दिया तो कौन से रोग आ जाएंगे, ज्वर, प्रमेह, ये आपके सामने चार्ट आपने देखा। अब हम चर्चा करते हैं अतियोग वाले रोग कौन कौन से होंगे। अतियोग, जरूरत से ज्यादा अतियोग हो गया शरीर का काम, दोहन ज्यादा हो गया, काम ज्यादा लिया शरीर में तो अतियोग होगा। अतियोग में क्या होगा, प्रमेह, ज्वर, कुछ अपचित आम रोग, जब भोजन नहीं पचता है तो वो आम रोग को जन्म देता है, ठीक है। तो हमें भोजन पचने के बाद ही भोजन करना चाहिए। सर रिपीट रिपीट करें सर। सर आज देखिए अतियोग से होने वाले रोग कौन कौन से हो गए, प्रमेह, ज्वर, कुष्ठ और आम रोग और अपची, जो बिना पचा जो भोजन होता है अपचन, इनडाइजेशन जिसको बोलते हैं वो, ये सब क्या है, ये अतियोग से होने वाले रोग। अतियोग का मतलब ज्यादा खा लिया, ज्यादा ग्रहणम कर दिया, ज्यादा संतर्पण कर लिया है। आज जो है हमारे को दही बड़े बहुत अच्छे से बने थे और आज हो सकता है कि हम पूरे ही आज मिर्चा डालेंगे, तो क्या होगा, ये अतियोग हो गया। अतियोग नहीं करना, किसी भी का भी अतियोग ठीक नहीं। ऐसे ही अतियोग से होने वाले रोग कौन से हैं, तो रोग कौन से हुए, तो ज्वर हो गया, बुखार आ गया, कान हो गया, प्लीहा हो गया, तो जो प्लीहा की वृद्धि होती है वो भी इसी से मानी जाएगी, ठीक है। प्लीहा की वृद्धि, अतियोग से मानी जाती है। कौन से अतियोग से, जो अतियोग यानी शोधन का, वो जरूरत से ज्यादा रगड़ रगड़ के सफाई कर देते हैं ना मन, तो क्या होता है, नेचुरल मॉइस्चर बॉडी से गायब होने लगता है, जब रगड़ रगड़ के जबरदस्त सफाई कर देते हैं। तो नेचुरल मॉइस्चर गायब होगा तो क्या होगा, शरीर में परेशानियां खड़ी होती रहेंगी, ड्राइनेस बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अतियोग यदि ज्यादा कर लिया है हमने, यानी हमने अग्नि तत्व और अति ये सॉरी, तो हमारे जो साथ में जो हमने देखा था अपतर्पण वाला कार्य ज्यादा हुआ है, यानी शोधन वाला कार्य ज्यादा हुआ है, तो अतियोग से उसके ज्वर, कास यानी सूखी खांसी, बलगमी खांसी नहीं, खास सूखी खांसी, प्लीहा की वृद्धि हो जाना, व्रण, भ्रम होना, कोई भ्रम हो जाता है, जो आजकल कहते हैं ना सोडियम बढ़ गया, सोडियम घट गया, ऐसे तो व्रण वगैरह होते हैं, ये सारी समस्याएं उनसे जुड़ी। तृष्णा, प्यास, उदर रोग, संन्यास, मूत्र कुछ यानी पेट के ये यूरिन का रोग, भगंदर और अरुचि अलाप,
तो अलाप और विलाप जो करते हैं उनसे भी ये होता है, ये बढ़ जाता है ना, आगे बढ़ता अति योग कहलाता वो। स्नेह अग्नि ओज निंद्रा भूख स्वर और क्या, मैं फिर से एक बार लेता हूं, अतियोग से होने वाले रोग कौन कौन से हुए, ज्वर, बुखार, कास, लीहा वृद्धि, व्रण, तृष्णा, उदर रोग, सामान्य मुच्छ, भगंदर, अलूचि, स्नेह अग्नि ओज निंद्रा और शीघ्र तो ये जो रोग हैं जिनकी लिस्ट आपके सामने दिख रही है ये सब अतियोग से होने वाले हैं। किससे, संतर्पण के बजाय अपतर्पण कर दिए तो ये वाली लिस्ट आएगी लेफ्ट राइट वाली, और लेफ्ट वाली जो लिस्ट कहाँ पे आएगी, जब हम संतर्पण कर देते हैं। तो अपतर्पण से ज्यादा रोग होते हैं अतियोग से, और संतर्पण के अतियोग से ज्यादा नहीं होते ऐसा माना जाता रहा। ठीक, तो भ्रम और ये उदार रोग, उदर रोग, पेट के रोग, सामान्य संन्यास, तीन और बच रहे हैं तो इसको भी हम देखते हैं। वस्ती दृक् पार्श्व हृदय, त्रिक पार्श्व हृदय यानी वस्ती के आजू बाजू ये तीन हिस्से वाली जो हड्डी दिखती है हमारे को ये त्रिक कहलाएगा, है ना। तो ये वहां की आजू बाजू की हड्डी, इसको त्रिक कह सकते हैं आप, पार्श्व। और हृदय, हृदय से संबंधित कोई पीड़ा हो जाए ड्राइनेस के कारण वो भी देखने को मिल सकती है, और सभी में पीड़ा, वमन हो सकता है, उल्टी, ग्लानी बढ़ सकती है, पर्व में दिक्कत आ सकती है, अस्थि में भेदन हो सकता है, और मूत्र मल मूत्र का अवरोध, या ग्रहणी पेट से जुड़ी हुई बीमारी होती ग्रहणी, ये हो सकता है। अभी अपन आठवें नंबर से, चलिए इसको मैं पूरा ही कर, आठवें नंबर से हम कर लेंगे। अब थोड़े आपके कोई प्रश्न है तो आप वो ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा। कर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके कोई प्रश्न है तो आप वन बाई वन हाथ खड़ा करके ले सकेंगे और अपन देख लेते हैं कोई समस्या है तो। जी, तो आप अपना ये ऑन कर लीजिए और शुरू करते हैं आपका। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है जी, ये जो रिकॉर्डिंग हमको मिलेगा ना, जी 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 रिकॉर्डिंग मिलेगा बिल्कुल, ठीक है ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है वो मिलेगी, ठीक है।
चल रही है ये रिकॉर्डिंग का पाने के बाद हम थोड़ा रिवीजन करेंगे संतर्पण और अपतर्पण, जिसे तो बहुत गहरा है, कुछ कुछ समझ में आया, इसको रिवीजन करने से और क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसको है ना, अब अपन इतना मोटे मोटे शास्त्र पढ़ने से अच्छा इसको ऐसा शॉर्ट में कुछ बनाए नोट, जिसमें ज्यादा पढ़ना नहीं पड़े, ज्यादा मेहनत नहीं हो, उसका रिजल्ट बढ़िया हो। अब इसको थोड़ा ही है, ये है तो ज्यादा नहीं, लेकिन इसका मैं नोट्स आपको विजय जी को मैंने भेजी, विजय प्रधान सर को, तो वो आपको वो आपके उस पर भेज देंगे, उनके पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ना, उसमें आपको भेज देंगे। तो आपका भी चलिए जी, आप भी बताइए क्या प्रश्न है आपका। नहीं, मेरा प्रश्न कोई नहीं था, कुछ तो समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया, उसको रिवीजन करने के बाद थोड़ा हम प्रश्न पूछेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो ये क्या नंबर है, नाम है इनका, हाँ विजय लक्ष्मी जी है ना, विजय लक्ष्मी जी, हाँ विजय लक्ष्मी। जी बताइए विजय लक्ष्मी जी, प्रणाम, बताइए आपका कोई प्रश्न है। विजय लक्ष्मी जी सुन पा रहे हैं, उन्होंने हैंड्रेस हटा लिया, गुरु जी हैंड्रेस हटा लिया। हाँ, उनका मैंने हटाया था एक्चुअली। अच्छा, हाँ क्योंकि उनसे अपन प्रश्न शुरू कर ही रहे हैं, तो हटा दिया, कोई और भी आएगा तो अच्छी तरह जो पति जी है तो वो अपना ऑन कर लीजिए। अभी इनका हैंड्रेस हुआ है, ये इनका है विजय लक्ष्मी मैडम आ गए। हाँ जी, हाँ तो जैन साहब एक एक करके ले लीजिए ना जरा, जैन साहब हैं क्या इसमें। जी विजय लक्ष्मी जी, आप बोलिए सर। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते जी, नमस्कार, प्रणाम, आप कैसे। बस हरी कृपा, आपकी दुआएं आनंदमय जी, ठीक है। एक्चुअली गुरुजी मेरी पेट में गैस ज्यादा बनता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ भूख भी नहीं लगता है। अरे वो समस्या अपन व्यक्तिगत रूप से करेंगे, अभी यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, हमको डाउट्स क्लियर करने हैं ना, अभी जो अपन सीखे हैं वो, ठीक है, ठीक है जी, वो समस्या तो हम व्यक्तिगत रूप से, ठीक है जी। और ये जो हैंड्रेस है इनका क्या नाम है, रंजन पति, हाँ ठीक है, बात कीजिए। जी जी बात कीजिए। हाँ हाँ गुरुजी प्रणाम। जी जी प्रणाम। हाँ गुरुजी, फोटो वोटो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फोटो मेरा ठीक से नहीं, तबीयत तो ठीक नहीं है, इसलिए ड्रेस में नहीं है इसीलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। गुरुजी जो बता रहे थे, जो अजवाइन और काला नमक और हिंग, इसका कितना, जो अजवाइन और काला नमक और हींग, तीन को कितना मात्रा में मिला के खाएंगे। हाँ ये बात तो, एडल्ट डोज के लिए मैं बता देता हूँ, एडल्ट डोज हमको चाहिएगी लगभग 1/4 चम्मच तो अजवाइन चाहिए, ठीक है, और 1/4 चम्मच हमको चाहिएगा, या 1/5 ले लीजिए काला नमक। और अच्छा है ना, और हाँ, 2 से 3 चुटकी उसके अंदर क्या डालना है, हींग, बस हो गया, फार्मूला तैयार। दिन को एक बार लेते हैं ना, जो गैस ज्यादा होगा तो लेंगे ना क्या। हाँ जब गैस ज्यादा हो या बीपी बहुत ज्यादा गैस के कारण बढ़ गया हो, एकदम से शूट आउट करके ऊपर चला गया। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, है ना। और कोई हैंड्रेस हुआ क्या,
और किसी का कोई प्रश्न है? गुरु जी अभी लगता किसी का कोई प्रश्न नहीं है। जी जैन साहब थैंक यू। ये इनका सूर्यमणि जी का है। सूर्यमणि जी, जी जी प्रणाम सूर्यमणि जी, बताएं। गुरु जी नमस्ते। जी जी नमस्कार, प्रणाम 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 प्रणाम। नहीं तो क्लास तो मैं थोड़ा लेट में आया, लेकिन जो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो ये उसको मैं रिपीट कर लूंगा। हाँ रिकॉर्डिंग हमने किया हुआ है और वो डिस्टरबेंस नहीं आया होगा, लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया होगा तो बराबर आएगा, आपको मिलेगा। रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी हो गई बीच में, नोट कर लिया थोड़ा बिगिनिंग से थोड़ा मैं नहीं कर पाया था, इसलिए मेरे को चाहिए। कोई बात नहीं, रेगुलराइज कर लूंगा, भिजवा देंगे। हाँ प्रधान जी को उपलब्ध हो जाएगी रिकॉर्डिंग, तो वो आपको उनके पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ना, वो एक बार में डालेंगे, सबको पहुंच जाएगा फटाक से। हम विजय सर को बोल के ले लूंगा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरु जी प्रणाम। गुरु जी 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 प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो अपन लेते हैं, नहीं तो फिर आज का समापन करते हैं, फिर परसों मिलेंगे 4 बजे, ताकि आप लोग थोड़ा पढ़ के आएंगे। अभी इसके 2 पार्ट और हैं, ये तो त्रिविद उपक्रम पार्ट 1 है, अभी 1 भी पूरा नहीं हुआ, इसके 1-2 पेज बाकी है। और इसकी जो पीपीटी है, पीडीएफ जो है मेरे पास, मैंने विजय सर को भेज दी है, तो उनके पास वो ब्रॉडकास्ट है, तो वो आप उनको याद दिला के ले लीजिए उनसे, है ना, वो ब्रॉडकास्ट है, वो आपको सबको एक साथ भेज देंगे। कोई एक जना भी याद दिलाएगा तो वो सबके पास पहुंच जा ही देंगे। गुरु जी पहुंच जाएगा मेरे पास, आ जाएगा। जी 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 ठीक है गुरु जी, ठीक है, चले समापन। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी प्रणाम, सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार प्रणाम।